बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए अनेकों बड़े निर्णय किए, लेकिन कांग्रेस ने ये श्रेय भी बाबा साहब को कभी नहीं दिया। कांग्रेस के लोग बाबा साहब से इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि संविधान निर्माण का श्रेय बाबा साहब को जाता है। बाबा साहब को भारत रत्न भी तब मिला जब केंद्र में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी। आज देखिए जो बड़े बड़े डैम हैं, बड़ी बड़ी नदी जल परियोजनाएं हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जब बाबा साहब केंद्र में मंत्री थे बाबा साहब आम्बेडकर की रही। लेकिन इसका श्रेय बाबा साहब को नहीं, कांग्रेस के एक परिवार ने हड़प लिया, उनके ही नाम सब कर दिया। देश के पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब आम्बेडकर ने देश के लिए अनेकों बड़े निर्णय किए, लेकिन कांग्रेस ने ये श्रेय भी बाबा साहब को कभी नहीं दिया। कांग्रेस के लोग बाबा साहब से इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि संविधान निर्माण का श्रेय बाबा साहब को जाता है। कांग्रेस ने छल कपट से चुनाव में बाबा साहब को हरवाया। देश के एक महान नेता की राजनीति खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब दलित मां के बेटे थे। बाबा साहब को भारत रत्न भी तब मिला जब केंद्र में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी। साथियों, मेरे लिए बाबा साहब आम्बेडकर, उनकी नीतियां हमेशा प्रेरक रही है, सदा सर्वदा पूजनीय रही है। हमारी सरकार ने बाबा साहब के योगदान को देश दुनिया के सामने प्रखरता से रखा है। देश विदेश में बाबा साहब जहां जहां रहे, हमने उन उत्थानों को, उन सभी स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है। महू में उनका जन्म स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई की चैत्य भूमि, दिल्ली में जहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया, और लंदन में आम्बेडकर मेमोरियल होम, ये पंचतीर्थ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।